तो फ्रेंड्स स्वागत है आपको मेरी YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सिंगल फेस समर्सिबल स्टार्टर बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स इस समर्सिबल स्टार्टर में हमने दो कैपेसिटर यूज किया हुआ है, एक हमारा रनिंग कैपेसिटर है, दूसरा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। फ्रेंड जो हमारा ये समर्सिबल स्टार्टर होता है ये हमारा कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, चलिए पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक हमारा सिंगल पोल का एमसीबी लगा हुआ है, इस एमसीबी को हम क्या करेंगे यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा दो पुश बटन लगा हुआ है, एक हमारा स्टॉप पुश बटन है, एक हमारा स्टार्ट पुश बटन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही फ्रेंड देखिए जो हमारा समर्सिबल स्टार्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है, उसके साथ ही फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो इंडिकेशन लैंप है ये भी यहाँ पे ग्लो हो गया है। उसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे इसको यहाँ से स्टॉप करेंगे। स्टॉप बटन को प्रेस करने के साथ ही फ्रेंड जो हमारा स्टार्टर है देखिए यहाँ पे बंद हो चुका है, और साथ ही फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे इंडिकेशन लैंप है वो भी यहाँ पे बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स इस समर्सिबल स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें हम दो कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है आप समर्सिबल स्टार्टर का वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपने समर्सिबल पंप को चालू करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं, साथ ही फ्रेंड्स मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक सिंगल पोल एमसीबी यूज किए हैं जो कि हमारे मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्ट करेगा। फ्रेंड्स इसमें हम ओवरलोड रिले नहीं यूज कर रहे हैं, इसके बदले हम यहाँ पे एक एमसीबी यूज किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम दो पुश बटन यूज कर रहे हैं जो कि एक हमारा स्टॉप पुश बटन है, एक हमारा स्टार्ट पुश बटन है। उसके बाद फ्रेंड्स इस स्टार्टर में हम एक ऐसा इंडिकेशन यूज कर रहे हैं जो कि हमारा स्टार्टर ऑन होने पर ये इंडिकेट करेगा। साथ ही फ्रेंड्स इस स्टार्टर में हम दो कैपेसिटर यूज करने वाले हैं जो कि एक हमारा रनिंग होगा, एक हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। तो फ्रेंड्स अपने समर्सिबल पंप को चालू करने के लिए सबसे पहले इसमें हम अपना पावर वायरिंग कर लेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे देखिए ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट में फ्रेंड्स देखिए जो हमारा एक नंबर और दो नंबर का जो पॉइंट रहेगा यहीं से हमको क्या करना है फेस और न्यूट्रल का सप्लाई अपने स्टार्टर में देना है। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है देखिए हमको इसे एक छोटा सा वायर लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा एमसीबी है इस टर्मिनल के एक नंबर वाले पॉइंट से इस एमसीबी में एक वायर का कनेक्शन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने एक नंबर से क्या किया एमसीबी के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिया है। करने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपको जो एमसीबी का आउटपुट रहेगा इस आउटपुट में क्या करना है आपको एक वायर यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका यहाँ पे कॉन्टेक्टर है जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे L1, L2, L3 लिखा हुआ है, आपको इस वायर को क्या करना है L1 वाले पॉइंट में लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया L1 में एक वायर को लगा दिया यहाँ से MCB का आउटपुट लेके। लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स जो इसका हमारा न्यूट्रल पॉइंट रहेगा उसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे ऐसे एक आपको वायर लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है देखिए जो आपका ये न्यूट्रल वाला पॉइंट रहेगा इसमें फ्रेंड्स क्या करना आपको एक वायर लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपका जो एक कॉन्टेक्टर रहेगा कॉन्टेक्टर का जो आपका L3 पॉइंट रहेगा इस L3 पॉइंट में क्या करना आपको जो न्यूट्रल का जो दूसरा पॉइंट है इसको यहाँ पे लाके डाल देना है। अब जो हमारे यहाँ से आउटपुट होगा उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना देखिए जो आपका यहाँ पे T1 पॉइंट रहेगा इस T1 पॉइंट में फ्रेंड्स क्या करना आपको एक वायर का कनेक्शन कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है इसको लेके अपने टर्मिनल के 3 नंबर पॉइंट में लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं अपने टर्मिनल के 3 नंबर वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है इसका जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा जो कि T2 पॉइंट रहेगा इसमें भी आपको क्या करना है एक वायर को डालना है, और डालने के बाद फ्रेंड जो आपका टर्मिनल का चौथा पॉइंट रहेगा इसमें आपको क्या करना है इसको लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है एक और आपको यहाँ से T3 से एक पॉइंट को लेना है, और लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको यहाँ पे 5 नंबर वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये स्टार्टर है इस स्टार्टर का पावर वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ से एक सप्लाई लेके एमसीबी को दिया है, एमसीबी से L1 में दे दिया है, और साथ ही फ्रेंड्स 2 नंबर से न्यूट्रल पॉइंट लेके हम L3 में डाल दिए है, और साथ ही फ्रेंड्स T1, T2, T3 से 3 वायर को लेकर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर टर्मिनल में डाल दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे दो कैपेसिटर रहेगा, एक हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर है, एक हमारा रनिंग का कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स इस दोनों कैपेसिटर से हमारे यहाँ पे दो दो वायर बाहर निकला है। तो हमको फ्रेंड्स क्या करना है एक हमको अपने इस रनिंग कैपेसिटर से एक वायर को लेना है, और साथ ही फ्रेंड्स एक अपने स्टार्टिंग कैपेसिटर से एक वायर को लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है इन दोनों वायर को ऐसे आपस में जोड़ लेना है।
जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे कॉन्टेक्टर का L1 L2 L3 वाला पॉइंट था, तो इस कैपेसिटर की दोनों वायर को क्या करना है आपको L2 वाले पॉइंट में ले जाकर कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने L2 में क्या किया, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है, एक हमारा 50 mFD का है जो कि हमारा रनिंग कैपेसिटर है, और वहीं फ्रेंड जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हमारा 150 mFD से लेकर 200 mFD के बीच में है। तो फ्रेंड देखिए किसी किसी समरसिबल स्टार्टर में क्या होता है, एक ही कैपेसिटर यूज होता है क्योंकि वो छोटा रेंज का होता है, और वहीं फ्रेंड जो हमारा 1 HP से ऊपर का समरसिबल पंप होता है वहां पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, दो कैपेसिटर यूज करते हैं, जो कि हमारा एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा बड़ा होता है, और साथ ही जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है वो हमारा छोटा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा रनिंग कैपेसिटर 50 mFD का है जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर से छोटा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है, इस रनिंग कैपेसिटर को हमको सप्लाई कनेक्शन देना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर की एक वायर रहेगी, इस वायर को फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो हमारे यहाँ पे L1 पॉइंट रहेगा, जो हमारा कॉन्टेक्टर का L1 पॉइंट है, इस L1 पॉइंट में फ्रेंड्स क्या करना है, रनिंग कैपेसिटर का जो एक वायर रहेगा इसको यहाँ पे लाके कनेक्शन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, हमारा रनिंग कैपेसिटर को सप्लाई कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है, इसका हमारा यहाँ पे एक वायर बच जाएगा, इसका फ्रेंड्स हम कनेक्शन बाद में करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए इसमें कंट्रोल वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जो हमारी ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के यहाँ पे दो पॉइंट है, एक हमारी A1 पॉइंट है, एक हमारी A2 पॉइंट है। तो फ्रेंड्स जो हमारी ये दोनों पॉइंट है ये हमारी कॉन्टेक्टर की कॉइल की है, आप जब तक इस दोनों पॉइंट में सप्लाई नहीं दीजिएगा आपकी कॉन्टेक्टर यहाँ से ऑपरेट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारी दो पुश बटन है, एक हमारी NC पुश बटन है, आप देख पा रहे हमारी NC पुश बटन है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी क्या है, एक NO पुश बटन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहीं से फ्रेंड्स अब इसका हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे क्योंकि हमको इसी स्विच से इसको कंट्रोल करना है। फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, जो आपकी ये MCB रहेगी, इस MCB का जो आपका आउटपुट रहेगा उसी आउटपुट से फ्रेंड्स क्या करना है, आपको एक सप्लाई यहीं से ले लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। लेने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपकी यहाँ पे NC है, इस NC के एक नंबर वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, इस सप्लाई वायर का कनेक्शन कर देना है। करने के बाद फ्रेंड देखिए अब हमको क्या करना होगा, जो हमारी ये NC रहेगी, ई NC की हमारी ए वाली पॉइंट आउटपुट पॉइंट है, दो नंबर वाली पॉइंट, इसी पॉइंट से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब इस NO पुश बटन में सप्लाई देना है। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, आपको इसे एक लूप ले लेना है। लूप लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो आपकी अब NC की दो नंबर वाली पॉइंट रहेगी, यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस लूप को लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड देखिए अब आपको क्या करना है, NO की यहाँ पे दो टर्मिनल है, आपको दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल में क्या करना है, इस लूप को लाके इसे लगा लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, NC के एक नंबर में कनेक्शन किया है, और यहीं से हम क्या किया, दो नंबर से लेके अपने यहाँ पे NO के पॉइंट में कनेक्शन कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। करने के बाद फ्रेंड देखिए अब क्या होगा, जो हमारी अब NO से यहाँ पे आउटपुट निकलेगी, जो हमारी NO पुश बटन की आउटपुट होगी, हमको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से एक आउटपुट यहाँ पे लगाना है जो कि हमारी तीन नंबर या चार नंबर, आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगाने के बाद फ्रेंड देखिए इसको क्या करना है, जो आपकी अब कॉन्टेक्टर की A1 पॉइंट रहेगी, इस A1 पॉइंट में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस वायर को ले जाके लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, यहाँ पे A1 वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारी ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर की यहाँ पे A2 पॉइंट है, तो अब फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा, इसको A2 पॉइंट को भी सप्लाई देना होगा। हमको क्या करना है, इसे एक छोटा सा लूप ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फेस सप्लाई अपने A1 को दे रहे हैं, तो जो हमारी कॉन्टेक्टर की A2 पॉइंट होगी वहां पे क्या करना होगा, हमको न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड देखिए क्या करना है, आपको जो दो नंबर से न्यूट्रल पॉइंट जाके जो L3 में लगा हुआ है, इसी L3 में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसे एक छोटा सा लूप को लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड देखिए इसी लूप को आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे A2 की पॉइंट रहेगी, इसी A2 के पॉइंट में क्या करना है, इस लूप का यहाँ पे कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे कॉन्टेक्टर का A1 और A2 पॉइंट का यहाँ पे कंट्रोलिंग हो चुका है। हमने A2 में क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया है, और साथ ही फ्रेंड जो हमारे यहाँ पे A1 वाला पॉइंट है, इस A1 वाले पॉइंट को हम क्या किया, NO से सप्लाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमको इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे इसका होल्डिंग कंट्रोलिंग करना होगा, नहीं तो फ्रेंड्स हमारा होगा क्या, देखिए जब आप यहाँ से इस NO पुश बटन को प्रेस करिएगा तो आपका कॉन्टेक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और जैसे आप इसको छोड़ दीजिएगा आपका ये दोनों कॉन्टेक्ट अलग अलग हो जाएगा और आपका कॉन्टेक्टर क्या होगा, बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेकिन आपको कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू चालू करने के लिए इसमें आपको एक होल्डिंग कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स वो होल्डिंग कनेक्शन कैसे करना होता है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। उसके लिए फ्रेंड देखिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर में NO जो दिया हुआ है 13 और 14 नंबर पॉइंट, आपको फ्रेंड्स क्या करना है, NO में क्या करना है, ऐसा एक छोटा सा लूप को लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी लूप को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे कॉन्टेक्टर की A1 पॉइंट है जिसमें हमने सप्लाई कनेक्शन किया था, इसी में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस लूप का भी कनेक्शन ले जाकर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, एनओ से एक लूप को लिया है और लेके फ्रेंड्स क्या किया हमने यहाँ पे ए वन में डाल दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा इस एनओ का दूसरा वाला पॉइंट है, इस दूसरे वाले पॉइंट पे हमको क्या करना होगा, सप्लाई कनेक्शन करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड देखिए हमको क्या करना है, इस एनओ में ऐसे एक वायर को जोड़ना है, मतलब हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा एनओ का, यहाँ पे क्या करना है आपको इस वायर को यहाँ पे लगाना है। और लगाने के बाद फ्रेंड देखिए अब क्या करना है आपको इस वायर को इस एनओ के ये तीन नंबर वाले पॉइंट में लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे दो एनो टर्मिनल यूज कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा ये दोनों का क्या काम है। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, आप देखिए ये जो सप्लाई आएगी एनसी से ये आपको ए वाली एनो पॉइंट में रहेगी, यहां से इस पॉइंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे ऐसा एक छोटा सा लूप का यूज करेंगे, और जो हमारी एनो की जो नीचे की दोनों पॉइंट रहेगी इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स आपस में इसे शॉर्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे शॉर्ट करने से क्या होगा फ्रेंड देखिए, अब हमारी सप्लाई एक नंबर में आएगी, दो नंबर से चार नंबर में आएगी, और चार नंबर से यहीं से होके हमारी होल्ड डाउन के लिए यहाँ पे 14 नंबर में चली जाएगी जो हमारी कॉन्ट्रेक्टर की एनओ है, और यहीं से हमारी ए वन में चली जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और वहीं फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे एनओ का आउटपुट रहेगा इसमें से हमारा एक वायर निकल के जाके कॉन्ट्रेक्टर का ए वन में यहाँ पे लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारी ये स्टार्टर है इसमें हम इस इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे, तो फ्रेंड देखिए जो हमारी ये इंडिकेटर है यहाँ पे देखिए इस इंडिकेटर की दो पॉइंट है, तो फ्रेंड्स क्या करना है हमको इस इंडिकेटर के एक पॉइंट में पहले क्या करना है एक वायर का कनेक्शन कर लेना है, और वैसे ही फ्रेंड्स क्या करना है जो इस इंडिकेटर का दूसरा वाला पॉइंट रहेगा इस दूसरे वाले पॉइंट में क्या करना है एक और वायर का कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारी ये इंडिकेटर रहेगी इस इंडिकेटर को हमको क्या करना है फेस और न्यूट्रल का सप्लाई देना है, जिससे कि हमारी स्टार्टर जब चालू हो तो हमारी इंडिकेशन ग्लो हो जाए। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है देखिए आपको एक वायर को न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं जो हमारी दो नंबर की टर्मिनल है इस दो नंबर की टर्मिनल में हम क्या किए हैं न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है, और साथ ही फ्रेंड जो हमारी ये इंडिकेटर की जो एक वायर जो है इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है देखिए जो आपको यहाँ पे एनओ पॉइंट थी इस एनओ पॉइंट में फ्रेंड्स क्या करना है आपको इस वायर को ले जाकर कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया इंडिकेटर का एक वायर एनओ पॉइंट में लगा दिया है, और वहीं फ्रेंड जो इसका दूसरा वाला वायर है इसको हमने क्या किया यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है इस स्टार्टिंग कैपेसिटर की हमारी देखिए यहाँ पे एक वायर बच गई है, तो इस वायर को हम इसमें कहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो फ्रेंड देखिए जो हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक वायर थी इसको हमने क्या किया था यहाँ पे L2 में कनेक्शन कर दिया था, और वहीं फ्रेंड जो हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर की दूसरी वायर है जिससे कि हमको इस कैपेसिटर में सप्लाई देना है, तो फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा देखिए जो हमारी ये दूसरी वाली वायर है स्टार्टिंग कैपेसिटर की इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है जो आपका एनो पॉइंट रहेगा दूसरा वाला पॉइंट उसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है इसको लाकर इसे कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि जो हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसको हम डायरेक्ट कंटिन्यू सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं देखिए जो हमारी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होती है इसमें हम कंटिन्यू सप्लाई नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर की काम बस इतना होता है कि देखिए जब भी आप अपने समर्सिबल पंप को चालू करते हैं तो जो आपकी समर्सिबल पंप होती है वो चालू होने के लिए ज्यादा करंट लेती है फ्रेंड्स, ठीक है, ज्यादा करंट लेती है ज्यादा लोड लेती है, मतलब स्टार्टिंग लोड पंप का ज्यादा होता है, तो वहां पर फ्रेंड्स अगर आप स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं यूज करिएगा केवल रनिंग कैपेसिटर यूज करिएगा तो वहां पर आपकी मोटर क्या होगी घूम नहीं पाएगी जिससे कि आपकी मोटर बंद हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं देखिए जो हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर होती है उसको हम ऐसे इस स्टार्टर में कनेक्शन करते हैं कि जब फ्रेंड्स हम अपने इस स्टार्टर को ऑन करते हैं जैसे यहां से हम अपने इस पुश बटन को दबाते हैं तो इससे क्या होता है हमारे एक पॉइंट से कॉन्ट्रेक्टर के A1 में सप्लाई जाता है और हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है, जैसे हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा उसी टाइम में फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा इससे फ्रेंड्स जो हमारा सप्लाई होगा जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा उसमें भी चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं से फिर आउटपुट होकर क्या होगा हमारे मोटर को मिल जाएगा, उस टाइम में क्या होगा जो हमारा मोटर होगा वो हमारा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारी समर्सिबल पंप होती है जो भी स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा करंट लेती है तो उस करंट को ये स्टार्टिंग कैपेसिटर पूरा कर देता है, मतलब जब आप यहां से इस पुश बटन को प्रेस करके इसे रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है ये कॉन्ट्रेक्टर भी ऑन होती है और साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी सप्लाई जाती है, और जब आपकी समर्सिबल पंप रन हो जाती है मतलब अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो वहां पर जैसे हम इस पुश बटन को छोड़ते हैं हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई कट हो जाती है और वहां पे जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है ये हमारा कंटिन्यू मोटर को घुमाते रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे समझ गए होंगे कि क्यों हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंटिन्यू सप्लाई नहीं देते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूं कि जो हमने यहां पे कनेक्शन किया हुआ है ये हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है जो आपका एक नंबर और दो नंबर वाला टर्मिनल है इसमें आपको क्या करना है पावर सप्लाई देना है, तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करें यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए दो केबल यूज कर रहे हैं, इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे एक वायर को अपने एक नंबर वाले टर्मिनल में लगाएंगे
और वहीं फ्रेंड जो हमारा दूसरा वाला वायर रहेगा इसको हम दूसरे नंबर टर्मिनल में लगा देंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या एक नंबर और दो नंबर पावर सप्लाई दे दिया है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारी ये तीन नंबर चार नंबर और पांच नंबर की टर्मिनल है इसमें फ्रेंड्स क्या करना है हमको मोटर का वायर कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मोटर की जगह पे एक बल्ब का यूज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे तीन नंबर में लगा देंगे एक वायर को और दूसरा जो वायर रहेगा इसको पांच नंबर में लगा देंगे फिर, ठीक है। आपका जो मोटर रहेगा तीन चार पांच में आपको तीनों वायर का कनेक्शन करना है। यहाँ पे मैं आपको ओनली चेक करने के लिए एक बल्ब का यूज कर रहा हूँ फिर, ठीक है। फ्रेंड्स अब इसको हम चालू करेंगे, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ से एमसीबी को पहले ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन रहेगा इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, हमारे यहाँ पे इंडिकेशन भी ऑन हो गया है और साथ ही जैसे हम इसको यहाँ से ऑफ करें देखिए हमारे यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ हो जा रहा है और साथ ही हमारे यहाँ पे आउटपुट भी बंद हो जा रहा है फिर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑन हो रहा है और जब यहाँ से हम ऑफ करें तो हमारा स्टार्टर पूरा यहाँ पे बंद हो जा रहा है फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको दो कैपेसिटर और समर्सिबल स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन करना है जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी अगर वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत तो कोई भी कनेक्शन आप नहीं समझ पाए हैं तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका वहां पे जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।